गाइस वेलकम टू माय चैनल मिस्टर ऑल राउंडर। मैं हूं आपको दोस्त करण और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे हम एक ओरिगामी फ्लैपिंग बर्ड बनाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको सबसे पहले स्क्वायर पेपर लेना होगा जैसे मैंने लिया है, फिर उसको कॉर्नर्स में पकड़ के एक ऐसे ट्राइंगल में फोल्ड कर दीजिए, फिर इसको अनफोल्ड कीजिए, फिर दूसरे क्वाड्रेंट पे करके इसको फिर से ऐसे अनफोल्ड कर दीजिए। उसके बाद इसको अनफोल्ड कीजिए, फिर इसको हाफ फोल्ड कीजिए। फिर इसको अनफोल्ड कीजिए, फिर इसको वैसे ही वापस ट्रायंगल में ले आइए। फिर इसको यहाँ से ऐसे उठाइए और इसको इस तरह से करके ऐसे करके इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। देखिए ऐसे कुछ इस तरह आपको शेप मिल जाएगा। फिर इसको दूसरी साइड टर्न करके फिर से ये चीज़ कीजिए। देखिए बिल्कुल सही से आ गया ऐसे। देखिए आपको ऐसे पेपर जब थोड़ा सा इसको उठाएंगे ऐसे तो आपको ऐसा पेपर मिल जाएगा। ये देखिए हाँ। फिर उसके बाद आपको ये जो ऐसे पकड़ के इसको ये जो सेंटर लाइन है इसकी इस पे ऐसे लाना है। ये देखिए इसकी यहाँ पे सेंटर फोल्डेड था उस पर मिलाया। दूसरी साइड भी यही कीजिए, इसको उठाइए और इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और फिर ये जो ये पार्ट है इसको बस ऐसे फोल्ड कर दीजिए। बस अब इसको अनफोल्ड कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर दूसरी साइड टर्न करके इसको फिर से वही स्टेप, पहले इसको फोल्ड कीजिए, फिर इसको फोल्ड कीजिए, फिर इस वाले को फोल्ड कीजिए, फिर इसको अनफोल्ड कर दीजिए इसको भी। अब ये जो ये इसका जो ये कॉर्नर है इसको उठाइए और यहाँ पे आप ये फोल्ड देख सकते हैं, आपको तो नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। फिर कुछ इस तरह से इसको ऐसे लाइन पे फोल्ड कर दीजिए, देखिए। फिर दूसरी साइड इसको ऐसे कुछ थोड़ा सा बेंड करके इसको इसी तरह से फोल्ड कर दीजिए, देखिए। देखिए कुछ इस तरह आपको दिखेगा। फिर इसको इस साइड को भी अनफोल्ड कीजिए, इस पॉइंट को उठाइए, इसको धीरे धीरे ऐसे वापस से फोल्ड कर दीजिए। अब इस साइड कर फिर से वैसे ही फोल्ड कर दीजिए। फिर जब फोल्ड होता है तो आप इसको इस तरह से बेंड कर दीजिए, देखिए। दूसरी साइड भी यही कीजिए, फिर आपको एक ऐसा मिल जाएगा। अब आपको ये देखिए ये कुछ आपका ऐसा एक शेप है, ये देखिए। अब इस पार्ट का ये जो है ये देखिए ये ऐसे है, ये देखिए ये एक ऐसे गैप है इसके बीच में। आपको इसके यहाँ पे ऐसे ही इसको बेंड कर देना है बस, देखिए ये ऐसे, ये देखिए इसको ऐसे ऐसे बेंड किया, फिर बस इसको ऐसे फोल्ड कर दीजिए ये, और इसको थोड़ा धीरे से नीचे कर दीजिए। फिर दूसरी साइड जो आपको ये मिला है इस पे भी यही कीजिए। ये देखिए मैं आपको फिर से करता हूँ,
ये देखिए, और इसको थोड़ा ज्यादा नीचे लेकर आ गया इसके, ये देखिए। अब जो आपने ये वाली जो साइड थी इस वाले में, इसको ये जो पार्ट है इसको इस तरह करके इस तरह फोल्ड कर दीजिए। अब ये जो आपके ये आप देख सकते हैं बर्ड का शेप आ गया। अब ये विंग्स इसके ओपन कर दीजिए। अब मैं आपको इसको फ्लैपिंग करने का टेक्निक बताता हूँ। आपको पहले इसको यहाँ पे पकड़ना है, फिर इसको ऐसे खींचना है। ये आपकी बर्ड बन गई और ये फ्लैप भी हो रहा था, आपने तो नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा। तो अब इसको इधर से पकड़िए और इधर से खींचे। ये थोड़ा सा कमज़ोर पेपर ये नहीं हो रहा, पर फिर भी आप इसको इधर से पकड़ेगा, ये देखिए, और इसकी जो टेल है इसको ऐसे खींचेगा बस। तो गाइस आपने बहुत इजीली सीख लिया कि कैसे हम एक फ्लैपिंग बर्ड बनाते हैं स्क्वायर पेपर से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।